वेलकम बैक टू क्वीन स्ट्रीट। तो आज मैं आपके लिए एक और ट्यूटोरियल लेके आई हूँ जिसका नाम है रेडिबल कलेक्टिबल्स। ये भी एक तरह का एनएफटी है, जैसे कि पिछले वीक मैं आपके लिए ओपन सी का ट्यूटोरियल लेके आई थी। आई होप आपने वो वीडियो चेकआउट कर ली होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि ओपन सी को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं आपको रेडिबल के बारे में बताने वाली हूँ कि इसको आप किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरह से बाय सेल कर सकते हैं। एक्चुअली ये भी एक काइंड ऑफ एनएफटी है, यानी नॉन फंजिबल टोकन्स है, जहां पे आप क्रिएट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एंड बाय कर सकते हैं। लैंड को, क्रिएटिविटी को, आर्ट को, डिजिटल आर्ट्स की आपको ओनरशिप मिल जाती है वाया एनएफटी, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इजी है इसको यूज करना, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है rarible.com, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे आपको ऊपर ये चीज दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे क्लिक करके एंटर करना है, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ छोटा सा काम करना है, वो ये है कि यहाँ पे आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। तो चलिए हम वॉलेट को कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से, और यहाँ पे हम करेंगे मेटामास्क से अपने वॉलेट को कनेक्ट। उसके लिए आपको मेटामास्क आपके लैपटॉप पे होना चाहिए, कंप्यूटर पे या जिस डिवाइस पे भी आप यूज कर रहे हो वहां पे मेटामास्क आपके पास होना चाहिए। तो देखिए, मेटामास्क कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जहां पे हमें हमारा मेटामास्क शो हो रहा है, क्योंकि ये इथेरियम बेस्ड प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी ये चीज। इथेरियम का आपको जो यहाँ पे लोगो दिखाई दे रहा है वो इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये इथेरियम बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो दैट्स इट, आपको जस्ट इसमें अपने वॉलेट को कनेक्ट करना था। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको एनएफटीज बाय करने हैं, देखिए यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे एनएफटीज कलेक्शंस जो भी आप देखना चाहते हैं, आप सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सारे एनएफटीज हैं जो अभी इस टाइम पे आपको शो हो रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एनएफटी इसमें आप यूज कर सकते हैं, जिसको आप बाय करना चाहते हैं आप सिलेक्ट करके बाय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको इसका ओवरव्यू मिल जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से चेक कर सकते हो, इसकी हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन, लिस्टिंग, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। एंड उसके बाद आपको प्राइस, हाईएस्ट फ्लोर बिड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और अगर आप बाय करना चाहते हो तो ये रहा बाय का ऑप्शन, जहां से जाके आप इसे बाय कर सकते हो। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है, यानी कि इस वक्त क्योंकि मैं जस्ट आपको डेमो दे रही हूँ, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे बैलेंस, एक्चुअल बैलेंस, सर्विस फीस जो भी आपने पे किया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आप इथेरियम चेक कर सकते हैं, आप यूजर्स चेक कर सकते हैं, कलेक्शंस देख सकते हैं। ये तो था एनएफटी का ऑप्शन, नेक्स्ट है कलेक्शंस का, जहां पे आपको सारी ब्लॉकचेन्स मिल जाती हैं। तो देखिए, जब आप कलेक्शंस पे जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन जैसे कि कलेक्शन का है हमारे पास, तो आपको ये सारी कलेक्शंस, बोर्डे, प्याज क्लब, मुटेंट ऐप, जितने भी एनएफटीज है वो आपको सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। और खोल के अगर आप और ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो आप लिंक पे क्लिक करके आप उसकी पूरी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। सी, तो ये है बोर्डे प्याज क्लब, जहां से आप मार्केट प्लेस को क्रिएट कर सकते हो, प्लेस अप बिट कर सकते हो किसी भी एनएफटी के लिए, किसी भी कलेक्शन में। तो यहां से आपको ये सारी, इसका एड्रेस, इसकी ब्लॉकचेन क्या, इसकी वॉल्यूम है, आइटम, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे भी आपको इसका स्टेटस, प्राइस, प्रॉपर्टीज जो भी आपको चेकआउट करना है वो आप वहां पे कर सकते हो। तो ये तो था नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें मिल जाता है क्रिएट का, जहां से आप क्रिएट कर सकते हो ये ब्लॉकचेन्स के अंदर, जैसे कि क्योंकि ये इथेरियम बेस्ड है तो हम इथेरियम पर जाते हैं। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस अगेन मिल जाते हैं, फर्स्ट है सिंगल, अगर आप सिंगल काइंड ऑफ कलेक्टिबल चाहते हो, और अगर आप मल्टीपल में चाहते हो तो मल्टीपल में आप क्लिक कर सकते हो।
देखो जब आप सिंगल पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको शो हो जाता है, जहां पे ये सारी डिटेल आपको, आप वॉलेट चूज करना है। यहाँ पे जैसे ऑलरेडी हमने मेटामास्क कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप फाइल अपलोड करेंगे, देन आप यहाँ पे अपना फिक्स्ड प्राइस पुट ऑन मार्केट प्लेस में, क्या आप चाहते हैं फिक्स प्राइस चाहते हैं, ओपन फॉर बिड्स चाहते हैं या टाइम ऑप्शन चाहते हैं, वो ऑप्शन आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। देन उसके बाद प्राइस आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जब आप प्राइस यहाँ पे फिल आउट करोगे तो देखिए उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे सर्विस फीस भी शो हो जाने वाली है, कितनी आपको लग रही है सर्विस फीस और कितनी आप यू विल रिसीव, कितनी रिसीव करेंगे वो भी आपको यहाँ पे अमाउंट शो हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, जितना प्राइस आप फिल आउट करने वाले हैं। देखिए तो उसके बाद आप अनलॉक कर सकते हैं, एक बार आप अगर परचेज कर लेते हैं तो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका चूज कलेक्शन यानी कि क्रिएट करना चाहते हैं रेरिबल, रेरिबल पे क्लिक करें। उसके बाद फ्री मिंटिंग आप यहाँ पे आपको मिल रही है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है इसको इनेबल करना होता है इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे, यानी कि जो बायर है यहाँ पे आपको गैस फीस मिंटिंग के लिए पे करनी होती है, यहाँ पे क्लिक आउट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम फिल कीजिए, डिस्क्रिप्शन लिखिए, रॉयल्टीज लिखिए एंड उसके बाद आप अपनी आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो था आइटम को क्रिएट करने का तरीका, सिंगल भी कर सकते हैं एंड मल्टीपल भी कर सकते हैं, टू ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो यहाँ पे आप मेनली बहुत सारी एक्चुअल में नंबर ऑफ एनएफटीज आपको मिल जाती है, लिस्ट में शो हो जाती है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया आप रेरिबल कलेक्टिबल्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से उसमें आइटम्स को आप बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, किस तरह से आप क्रिएट भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बहुत ज्यादा इजी था इसको यूज करना लाइक अन ओपन सी। तो ऐसे ही मैं हर वीक आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आती रहूंगी, उसके लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट अपडेट।